हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद मौमिता। और मैं मौमिता आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो रेसिपी, वो है फ़िश फ्राई की। तो इसके लिए मैंने रोहू फ़िश ले लिया है और ये फ़िश मैंने चार पीस लिए हैं, चार बड़े बड़े पीस लिए हैं। आप चाहें तो इसके बीच से स्लाइसेस भी कर सकते हैं। और इसको मैंने मैरिनेट करके रखा है। मैरिनेट मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, नमक, हल्दी, लेमन और मिर्च पाउडर से मैंने इसे मैरिनेट करके रखा था हाफ एन आवर। इसके बाद मैं एक अंडा लूँगी, एग में मैं नमक ऐड करूँगी और कुछ नहीं, और उसे मिक्स करके रखूँगी। ये है आपका कॉर्नफ्लावर। फिर एक प्लेट में ये मिक्सचर को रेडी करना है। तो इसमें मैंने हाफ बोल कॉर्नफ्लावर, हाफ बोल मैदा, इन दोनों को पहले मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं हाफ स्पून सॉल्ट दूँगी। सॉल्ट ऐड करना है, ये आप अपने हिसाब से कीजिए। और उसके बाद इसमें मैं हाफ स्पून चिली फ्लेक्स, ये भी, ये सारा चीज़ आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये ब्लैक पेपर है, बस इतना ही मुझे इसमें ऐड करना है। और अब मैं देखिए इसे किस तरह से बनाती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। हमेशा हम लोगों को सिंपल फ़िश फ्राई अच्छा नहीं लगता या फिर मसाले से, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और इसे अगर आप खिचड़ी के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले वो मैरिनेटेड फ़िश को कॉर्नफ्लावर और मैदे के मिक्सचर में डिप कर लिया। अच्छे से उसे कोट करने के बाद, चारों तरफ अच्छे से कोट करके उसे मैंने एग में डिप किया और उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में। तो बार बार मैं इसी प्रोसेस से करूँगी सारे फिश को। तो देखिए इसे मैं रेडी करके अब एक प्लेट में रख ली। रखने के बाद दूसरे फिश को भी मैं सेम प्रोसेस से करूँगी। पहले इस फिश को मैं कॉर्नफ्लावर और मैदे के मिक्सचर में ऐड करूँगी। बहुत अच्छे से इसे कोट करना है, चारों तरफ से कोट करना है। और उसके बाद इसे एग में डिप करना है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग ही लिया है। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स से चारों तरफ इसे डिप करना। और अच्छे से नहीं करने से ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। सेम इसी प्रोसेस से सारे फिश को आपको बना के रखना है। और इसके बाद मैंने एक तरफ तेल गरम करने के लिए पैन चढ़ा दिया है। यहाँ पर जैसे ही तेल गर्म होने लगेगा मैं एक एक करके फ़िश को दे दूँगी। देखिए यहाँ पर मैं तीन फिश दूँगी क्योंकि मेरे फ़िश का साइज़ बड़ा है, तो मैं ज़्यादा नहीं दूँगी, नहीं तो मैं टर्न नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए मैंने फ़िश ऐड कर दिया है ऑयल में। और अभी मेरा फ़िश मीडियम टू लो फ्लेम में है। अगर मैं हाई फ्लेम में रखूँगी तो ऊपर से ये पक जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, बीच बीच में इसे लो भी मैं कर रही हूँ। और ये फ़िश फ्राई आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, बहुत कम समय लगता है इसे बनाने के लिए और झटपट आप कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोग आजकल सब घर में ये सारे चीज़ें रखते ही हैं। और फ़िश रहने से आप ये सब बहुत ही झटपट बना सकते हैं। आप देखें बीच में मैंने इसे टर्न भी कर लिया है। तो मैं इसे एक बार दो बार इसे ऐसे टर्न कर करके इस फिश को चारों तरफ से पका लूँगी, साइड से भी पका लूँगी क्योंकि इसका जो पीस है ये थोड़ा मोटा है। इसको साइड से नहीं पकाने से साइड सब भी रह जाता है कच्चा, क्रिस्पी नहीं बनता है। देखिए मैंने इस तरह से खड़े कर करके थोड़ी देर के लिए फ़िश को पकाया है पकड़ के। तो देखिए ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं। तो गाइज ये मेरा फ़िश फ्राई रेडी हो गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको पसंद आया मेरे ये चैनल, मेरे ये रेसिपीज, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे रेसिपीज़ आपके नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।